लिखना है, और गजल ने सुबह अपनी फ्लाइट भी पकड़नी है और बोलो ब्रंच खाना भी। आज की रात पे लिखने को अच्छा होगा जी अच्छा तो ऐसा था कि इंसान कुछ भी ऐसा है ना, अपने आप को समझने लग जाता है, पता नहीं क्या है। अब मैं किसी को कुछ नहीं कहती, महसूस तो करती हूँ, दिल में आता तो वो कहता भी मैंने लिख के रख लिया था, किसी को सुनाया थोड़ी, अब सुनाती हूँ। आईना खाने में रहते हो, आईना आईना खाने खाने में में रहते रह हो रहो, सो हर सो तुम हो, वाह सो आईना तुम हो। खाने में रहते हो सो हर सो तुम हो, ये एक ही लम्हे को बाहर तो निकल कर देखो। रिश्ता अल्फाज मुआनी का है नाजुक कितना, एक जरा लहजे को तुम अपने बदल कर बदल कर देखो। देखो तो वाह बहुत बहुत अच्छा अच्छा। देखो। तो बस ऐसा ही है कि मैं नहीं समझती लिखने वाले, चूंकि मैं पढ़ती हूँ तो मुझे मालूम है कि लोग क्या क्या लिख रहे हैं। मेरी आलमी अदब में से ट्रांसलेशंस का जी तर्जुमा का इंतखाब आया है, वो यूं है कि चूंकि मैं लिखने वाली हूँ, कुछ भी पढ़ूं अगर अफसाना या कहानी, मुझे दो चार लाइनों बाद अंदाजा हो जाता है कि इसका अंजाम क्या होगा। बहुत हुआ तो सफे डेढ़ बाद वो कहानी कोई है 15-20 सफे की, मुझे आखिरी पैराग्राफ तक नहीं पता चल सका था कि ये क्या होगा। जब आखिरी पैराग्राफ में वो अंजाम हुआ, मैं कितनी देर तक बैठी रही हैरान हो कि लिखने वाले यूं लिखते हैं। तभी उनको मैंने तर्जुमा करके तब छापा कि और लोग भी लिखें। तो इसलिए दुनिया में लिखने वाले तो ऐसे ऐसे हैं कि कोई नहीं कह सकते कि भई हम क्या है, लेकिन अपना अपना हर एक का मकाम है। तो ऐसा है कि मैं ये तो नहीं कहती कि भई मैं बहुत बड़ी लिखने वाली हूँ, स्टिल मुझे पता है कि मैं एक संजीदा राइटर हूँ। संजीदा, ये सबसे बड़ी अच्छा अहमियत ये तो वाली हमें भी बात पता है। है कि हाँ आप कि वाकई में इस वक्त तीन इतनी खवातीन जो है गवाही दे रही हैं। किताबों की खालिक आप हैं। माशाल्लाह तो बिल्कुल। अभी मैंने अलबत्ता मैं समझी, अच्छा सबसे ज्यादा जब लोग कहें ना अपने आप को कहना, तो कुछ भी आदमी हो या ना, खाने में तो बिल्कुल आप रह ही बिल्कुल सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल जब कहीं भी मेरी कोई किताब आती है तो कहा जाता है कि फरहत अपने अपने आप को रिपीट कभी नहीं किया, तो मुझे बहुत हाँ खुशी वाह होती है। वाह तो जी उसका वाह जवाब बहुत मेरे सुंदर। पास हाँ ये होता है कि दुनिया में इतनी क्या कहानियां रिपीट करने की क्या जरूरत है, जरूरत है वो आपको। सब तो लिखी भी नहीं जा सकती जितनी है। बल्कि जो वो है लिखी हाँ भी वो नहीं सब जाती लिखी थी। भी नहीं जा सकती। तो इसलिए अभी मैंने यही सोचा, रिपीट तो खैर मैं नहीं कर रही थी, लेकिन खुद को मैं सबसे बड़ी अपने नकारात बैठी किताबें देख रही थी, मैंने कहा बस पे बहुत रोना धोला हो लिया औरतों के मर्दों के खिलाफ सब कुछ, मैंने कहा तो कुछ और भी तो दुनिया में है इसके अलावा, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई। अब मेरे पास जो दो नए अफसाने हैं वो मैंने पहले कभी सोचे भी नहीं थे। सो नई नई चीजें तो आती आती जाएगी, है तो वो आती खत्म है। नहीं हो सकती। अगर मुझे वक्त मिले तो मेरा ख्याल है मैं आखिरी लम्हे तक लिखती रहूंगी, अगर अल्लाह ताला सेहत दे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह। क्या समझती हैं कि वो कौन सा लम्हा होता है जो आपको बेचैन कर देता है, कोई ख्याल जो वो है, कोई खास लम्हे में आप लिखती हैं या जहां दिल चाहता है वहां पे आप बैठ के लिख लेती हैं। नहीं आपको ये बताऊं कि कोई ना कोई चीज ऐसी होती है कहीं भी, कहीं एयरपोर्ट पे, ट्रेन में, आमने सामने आप बैठी हैं, आप लोगों की कोई ना कोई चीज ऐसी टच कर जाती है जो मेन होती है, फिर उसके ताने बाने पे सारी कहानी चलती है। तो ये उसमें ये बात। होता है कि मैं चलते फिरते सोचती रहती हूँ, किचन में काम करती रहती हूँ सोचती रहूँ, कहानी पूरी कंप्लीट हो जाती है जब, उसको यहां तक कि जेहन में ही उलट पुलट के उनके जुमले भी बदलती रहती हूँ, ये नहीं तो अच्छा ये। अच्छा वाह लेकिन जब मैं लिखने बैठती हूँ तो मैं इसी तरह लाउंज में बैठ के टीवी भी देख लेती हूँ, बच्ची को होमवर्क भी करा लेती हूँ, वो डिस्टर्ब इतनी कंप्लीट होती है, डिस्टर्ब नहीं होती, अरे वाह, यानी आपके और पहले लिख डाल थॉट दे प्रोसेस कंप्लीट हो चुका होता है, तभी फिर उसके लिखती। बाद जो है आप हाँ आराम से और मैं एक उसको जो नशिस्त में है। लिखती हूँ, चाहे 20 सफे हो चाहे 23, That's उनको very ऐसा good. नहीं किया करती कि मैंने इसलिए छोड़ आपकी दिया। कंटिन्यूटी जो है वो रहती जी है आपके अफसाने लेकिन वो कभी। मेरे दिल को छूते हैं तो लिखती। मेरी पहली कहानी जो मुझे भी थी ना, जिस पे इसका नाम जी लिखा गया, वो मेरा आखिरी पैराग्राफ मुझे इतने मेरे आंसू टपकते थे कि वो मिट जाता था और मैं रखती थी इतनी वाह बार, वाह। यानी वो मैंने एक बच्ची देखी थी 14 साल की बच्ची, भाई उससे ज्यादा खूबसूरत आंखें मैंने आज तक नहीं देखी, और रोते रहे देखा है कोई तसलसल से रो तो आंसू तसलसल से लाइन जी की तरह बिल्कुल टपकते हैं, लाइन बन वो चुप जाती है। करके ऐसे खड़ी रही और एकदम रोई जैसे आबशार की तरह उसकी आंखों में माय सांसें गिरे। गॉड। वो आंखें जब मुझे याद आती थी तो मेरा रोना नहीं रोना रुकता नहीं था। रुकता। इस उम्र में इतने दुख, अरे क्या कुछ है दुनिया में, शबी लिखा जाए तो कभी खत्म भी ना हो। ये तो मुझे थोड़ा गुस्सा ही आने लगा है कि हाँ मैं कि इतनी देर मसरूफ क्यों है। रहती हूँ कि मैं क्यों नहीं वैसा लिख सकती। तो क्या समझती हैं आपको अब जिंदगी कहाँ पे मसरूफ कर दिया है कि आपको वो लम्हा जो बेतहाशा लिखने का है वो नहीं मिल रहा। हाँ जिंदगी ने मसरूफ तो क्यों कर दिया ना,
अब तीन अलग अलग स्टेट्स में बच्चे बैठे हैं, उनके दुख सुख हैं। अभी छोटी बच्ची है, उसके ट्विंस बच्चे हुए, मैं 3 महीने रह के आई। इस दौरान लिखना क्या, पढ़ना क्या? वो कहने लगी माँ बोर हो गई होंगी, पढ़ें या लिखें। मैंने कहा बच्चा फुर्सत दे रही है, क्या करूँ। बल्कि ये तो और कहने वाली बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई बल्कि आगे शुरू हो चुकी होती है। अच्छा अब यहाँ आई हूँ, मुझे तो यहाँ मैं रह के अब मैं लिख लूँ। होता यह है कि मैं अब यहाँ 1 महीने से कम दिनों के लिए यूं आया हूँ कि मुझे लाजमी सऊदी अरब में जाना है वहाँ की रेजिडेंसी मेंटेन करने के लिए। ये चार चार मुल्कों की शहरियत रख के हम करेंगे क्या? करेंगे उसमें अपने आप जाया कर रहे हैं ना। हाँ कोई क्रिएटिव शख्स नहीं है तो शायद एंजॉय करे, लेकिन अब मैं उकता गई, बहुत तंग आ गई। इसमें मैं थोड़ा सा आपको जो आपके दिल में बड़ास है या थोड़ी सी यासियत आ रही है, इसको आप पॉजिटिव तरीके से लें कि आपने इन चार चार मुल्कों की नेशनैलिटी से या घूमने से उसमें आपके अंदर रीजन ब्रॉड हो रहा है, आपने कैसे लोगों को देखा, आपको खुश देखा और आपने कैसे कैसे आपको थॉट्स आई। मे भी मेरा ख्याल है अगर आप भक्कर में रहती या सिर्फ लाहौर में रहती इतनी चीजें ना सोच पाती। हाँ नहीं बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और कितना अच्छा आपने ख्याल दिलाया। इन चीजों ने मुझे पे किया है, मुख्तलिफ कल्चर्स को देख के, मुख्तलिफ जबानों को, सब लोगों की, मेरे अफसानों में वसत भी इसीलिए है और मुख्तलिफ भी इसीलिए। आप सच कहती हैं, लेकिन अब मैंने देख लिया ना, मैं लिखना चाहती हूँ। अब देख लिया तो लिखना चाहती हूँ। ये भी होता है कि परवीन जितनी अल्लाह की तरफ से अता होती है उतना ही जितने हर फोर लिखा है। अरे इस शख्स की, इस और लड़की की मैं इसलिए हमेशा से दिल से कायल हूँ, शायद इन्होंने खुद भी ना एक्सप्लोर किया अपने आप को, इनकी शख्सियत में इतना ठहरा हुआ है, इतना सुकून है, क्या दुनिया में इनको कोई दुख तकलीफ नहीं है, लेकिन उसको ये कितना सलीके से बरतना जानती है और उन्हें कितनी अच्छी बात की है, बहुत शुक्रिया। लेकिन ये जो आपको जिंदगी ने इतना जो सफर दिए और इतना आपने कहा कि मैं बल्कि आपसे और ये भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एक सफरनामा शुरू कर लें ताकि वो जो आपके ये सफर है ये जाया ना हो, ये उसमें कन्वर्ट होते जाएंगे तो और एक खूबसूरत सा हमें इंतजार रहेगा आपके उस लम्हे का जब आप जहां कहीं पे भी होंगे हम आपको खुद ही आप से रिक्वेस्ट किया करेंगे और आपसे आपकी कहानियां और ये सारी जो चीजें इवन आपसे ये भी रिक्वेस्ट करेंगे जो आपके थॉट आती है आप रेडियो पे उस वक्त जब हमारा वो प्रोग्राम हो रहा होता है क्योंकि उसमें मुश्किल नहीं है कहीं पे भी कनेक्टिविटी हो सकती है, जरूरी नहीं आप स्टूडियो में आए और जहाँ कहीं पे भी है वो उसमें और आप हमारे साथ आके शामिल हुआ करें, हमें बहुत अच्छा लगेगा आपके आने से, आपके बोलने से, आपको सुनने से दूसरे जो नए लिखने वाले हैं उनके लिए मोटिवेशन है। मुझे ये बताइए कि कोई आप कहना चाहें, अभी बहुत सारी बातें हैं जो हम आपसे करना चाहते हैं और ये सिर्फ एक ही इंटरव्यू पे पूरी नहीं होने वाली है। आपकी शख्सियत के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे साथ जो रुखसाना नूर है वो कुछ अगर हमें आप बताना चाहें ऐसे उनका एरिया एक जो सुनने के लिए जो हमें फील हो कि हाँ वो खुद नहीं बता रहे लेकिन उनका ये ड्यू बनता है, तो हम जा रहे हैं हम रुखसाना के पास और फिर से रिक्वेस्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया। अच्छा अभी अब आप कह रही थी सफरनामे के बारे में तो मुझे लगा कि पता नहीं अगर फरद लिखे सफरनामा तो वो मेरा ख्याल है 2 सफ़ों के बाद फिर वो फिक्शन पे ही आ जाएगी, जिन रस्तों में जिन राहों पे वो चलेंगी और जैसे जैसे लोगों को मिलेंगी हर किरदार से वो एक कहानी बुन लेंगी और मेरा ख्याल है अगर वो ऐसा करेंगी तो एक नई तरह का एक जो है सफरनामा निकलेगा यानी, और वो यकीनन उसी तरह जैसे कि आपने जो किताब लिखी और उसको डायलॉग 2 बंदों का कर दिया, मेरा ख्याल है ये भी पहले ही तजुर्बा है, पहला तजुर्बा। इसी तरह हमारी एक दोस्त है परवीन सजन है, उन्होंने हतीम के नाम से एक नज्म है, तवील नज्म है, पूरी किताब ही एक नज्म है और उसमें ख्याल बहुत खूबसूरत उन्होंने किया कि जो जो जैसा जैसा उनको ख्याल आता रहा वैसी वैसी वो बहरे बरतती रही, बहरे उसी तरह की वो बरती उन्होंने, कहीं वो आजाद में आ गई, कहीं वो पाबंद में आ गई, फिर वो कहीं प्रोज में आ गई। इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस और मैं चाहती हूँ कि परवीन वो फरत परवीन साहब भी ऐसा जरूर करें जिस तरह इनकी सहर अंगेज इनकी शख्सियत है। अरसे से आपने इनको देखा है? मैं मुझे तो लगता है मैं जन्म जन्म से इनको जानती हूँ
इसलिए कि एक इंसान का सभी सुना यही है, लोग सियाने भी यही कहते हैं कि एक किसी को जानना हो तो उसके साथ सफर करें या उसके साथ थोड़ी देर आके ठहरे। तो मैं थोड़ा मतलब मेरा पड़ाव तो ज्यादा नहीं था इनके साथ, क्योंकि मैंने सफर एक छोटा सा इनके साथ किया था, तो उसमें मुझे मालूम पड़ गया था कि इनके अंदर बड़ा इंसान एक बड़ा इंसान है, एक दरवेश बैठा हुआ है बुक्कल मारे। तो सो आई लव यू, मैं इन्हें बहुत मोहब्बत करती हूँ। और मैंने तो आप यकीन करें सही बात कही, कितनी अच्छी बात कही। मैंने सफर ताने पहले कहते कहते छोड़ दिया, अगर मैं सफरनामे लिखूं तो बहुत मुख्तलिफ होंगे, वो ऐसे सफरनामे बिल्कुल नहीं होंगे जिसमें सिर्फ मालूमात है, उसमें फीलिंग इंसानी के जज्बात भी होंगे। मैं अलास्का गई तो वहाँ एक छोटा सा उनका जजीरा था, जूनोट था शायद उसका नाम, उधर कुछ बच्चियां लगाए खड़ी थी, वैसे स्टॉल एक छोटी सी बच्ची खड़ी थी, उसके पास कुछ भी नहीं था, तो उसने पत्थर रखा हुआ था, पर रखा हुआ था। क्या इतना मजे की बात, मैंने कहा ये पर किस चीज का है, कहती है ये पर परिंदे का है, वो यहीं कहीं रहता है इधर उधर देखने और ये पत्थर जो है ना ये सोप स्टोन है, इसको हाथों पे मलो ना तो हाथ इतने साफ हो जाते हैं। अरे वाह, और पत्ते हाँ नहीं, वो इतनी उसके मतलब गरीब सी बच्ची थी, गदले से रंग का उसने फ्रॉक पहना हुआ था, और वहां एक औरत बैठी थी जमीन पे, उसके लिए तो खैर मैंने अफसाना लिख डाला। वो ऐसे उसकी आंखों को देख के एक लम्हे के लिए वह ठिठक गई, मुझे लगा ये किसकी आंखें, मैंने आंखें पहले देखी हुई हैं, तो मुझे लगा ये मेरी अम्मी जैसी आंखें हैं। उसके बाद अब जैसे उम्र मेरी गुजरी मुझे लगता है ये मेरे जैसी आंखें हैं, फिर मुझे लगा कि ये आंखें तो हर जगह होती हैं जो दुख झेल जाती हैं और जो महसूस करती हैं। हमारे साथ गजल इंसानी है और हम जानना चाहेंगे कुछ बातें ऐसी जो फरहत ने नहीं शेयर की हैं और उनके दोस्त वो जानते हैं, तो हम गजल से कहेंगे कि कुछ कहे। अब मैं इनके बारे में क्या कहूँ, मतलब मेरे पास वो अल्फाज ही नहीं है कि मैं इनके बारे में कहूँ। शर्मिंदा कैसे नहीं है, शर्मिंदगी की तो बात ही नहीं है। मेरी इनसे मुलाकात फ्यू इयर्स बैक, 5-6 साल हो गए, इटली की एक कॉन्फ्रेंस में हुई थी, और वो इटली की कॉन्फ्रेंस में ये भी आई थी, यूएसए से मैं गई थी, यूके से। लेकिन मुझे ये लगता है कि मेरा ख्याल है वहां हम दोनों बस एक दूसरे से मिलने गए थे, कुछ और मिला ना मिला, मुझे तो फरहत मिल गई। और आज मैं फरहत से, अब आप इस बात का अंदाजा लगाए ना, मैं ये कही थी मैं रास्ते में कहती हूँ फरहत मुझे माल्टे खाने, फरहत मुझे अमरूद भी खाने, अब अच्छा चिलगोजे भी खाने हैं, ये भी खाना है। मैंने कहा मैं इतनी ज्यादा कंफर्टेबल हो गई हूँ फरहत के साथ कि जितनी मैं अपनी किसी बहन के साथ भी नहीं हूँ। मेरी बहनें कराची में होती हैं, मैं कभी भी जाती हूँ तो बहुत इंडिपेंडेंट अपने आप मतलब सब कुछ करती हूँ। लेकिन इनकी जो शख्सियत में मेरे ख्याल में वो अपनाइयत और मोहब्बत और शफकत और जो खुलूस, सारी जो चीजें हैं वो मिलकर इन सब से गुंधी हुई जो फरहत हैं, तो ये सबको इतना कंफर्टेबल कर लेती हैं कि सब इनके कंधे पे सवार हो जाते हैं और इनसे इनकी मोहब्बत में मुब्तला हो जाते हैं और इनकी मोहब्बत में सरशार होकर बस इन देखे ना इनके घर पे आ जाते हैं। तो मेरे लाहौर आने का जो एक सच्ची बात यह है कि मकसद होता है, नहीं नहीं यही है, इससे पहले मैं लाहौर वाकई में अच्छा। मैं नहीं आई, अच्छा। मुझे मतलब लोग बुलाते थे हमेशा, लेकिन हाँ हाँ तो मैं आपको यही बता रही हूँ कि अब आप इस चीज से अंदाजा लगा लेंगे, मैंने दुबई का प्लान कैंसिल कर दिया और वो 2-3 दिन यहाँ गुजार लिया, और अपने मियाँ को भी बेचारों को चला रही हूँ मैं कि आज आई और कल आई तो वो अगर वो साथ आना भी चाहें तो मैं उन्हें कह देती हूँ, उनके यहाँ कुछ दोस्त हैं जो डॉक्टर्स हैं, मैंने कहा देखिए भाई अगर आपको जाना है तो आप जाइए, मैं तो फरहत के पास रहूंगी, मैं कहीं और नहीं रहूंगी। तो मतलब इनकी शख्सियत में जो अपनाइयत, जो खुलूस और जो मोहब्बत है दोस्तों के लिए खासतौर पर, बल्कि मेरे ख्याल में ये तो सभी के लिए रखती है, हाँ सबके लिए इनमें बहुत है, लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा खास है मुझे लगता है। अच्छा ये हरे तो वो एक सच्ची बात, ये इसकी गैस निकल रही होगी। अच्छा मेरा ख्याल है थोड़ी सी मुझसे बड़ी होंगी फरहत, तो मेरी क्योंकि कोई बड़ी बहन नहीं है ना, मैं सबसे बड़ी हूँ, तो शायद मुझे ये कमी भी थी
कि मुझे मुझे लगता है कि मेरी बहनें मुझसे नखरा कर रही होती हैं ना, बाजी ये बाजी वो, मैं फरहत, मैं मेरे ख्याल में मैं फरहत के साथ कर रही करती हूँ और नखरा करती हूँ, तो और ये छोटी सी बात है, फिर वो आईना खाने वाली बात नहीं है, लेकिन चूंकि आप लोग पूछ रहे हैं तो मैं बता रही हूँ, मुझे आज तक नफरत का लफ्ज कहना भी पसंद नहीं है। तो बच्चे जैसे कहते हैं ना, कभी मुझे से नफरत है, मैंने कहा बेटा इसके बदले नापसंद कह दो, नफरत बहुत शदीद लफ्ज है, इसको सुन के दिल कांप जाता है। तो मुझे सब अच्छे लगते हैं, बुरा कोई नहीं लगता। अच्छा एक दफा छोटा सा वाक्य जैसे कि अंदाजा हो गया, एक दफा मैं कासमी साहब के दफ्तर में बैठी थी, तो कोई शख्स आया, मुझे नहीं पता था वो कौन है कैसा है, तो उन्होंने मुझसे बात की, मैंने भी की, तो कासमी साहब ने भी, तो मंसूरा बैठी हुई, तो उन्होंने चिट लिख के भेजी कि चुप करो इसको जाने दो। अच्छा कि ये बैठा है बातें तुम करी, मैंने कहा अच्छा मैं चुप, मुझे दिल से बुरा भी लगा किसने मुझे टोका, तो वो चला गया। तो जाने की बात कहने लगी, अल्लाह के फजल से फरत और बाबा नाबीना है, इनको दिखाई नहीं देता था कि आदमी कितना बुरा है। अच्छा कासमी साहब तो कासमी साहब तो कर गए चुप, चूंकि मुझे जरा बुरा लगा था टोकना बोलने पे, तो मैंने कहा देखो बात सुनो, दुनिया में ऐब जुई करने वाले और दूसरे की बुराई देखने वाले सभी हैं, अगर मुझे बुराई नहीं दिखाई देती और मैं सिर्फ अच्छाई देख सकती हूँ तो मुझे नाबीना रहने दो। तो मैं पता है बुरे से बुरे आदमी में भी सभी कोई ना कोई अच्छाई होती, तो आप उसको देख लो। उनके बड़े अच्छे दोस्त होते हैं, जी जी, अच्छाई को ही देखना चाहिए। अच्छा एक लास्ट आपसे सवाल, आप ये हो नहीं सकता कि इतनी अच्छी और भरपूर खातून एक हो और लिख भी रही हो और उन पे कोई किसी ने कोई थीसिस ना लिखा हो, कोई बात ना हो या कोई, ये हो नहीं सकता ऐसा, बस पता नहीं कैसा है इधर ना लड़कियां, एक तो लड़कियों ने मुझे फोन किया, फोन नंबर ले लिया मेरे घर वालों से कि आप कब आएंगे, आपको इंटरव्यू करना है। मैं आई तो कहते क्या मैं एमफिल कर रही हूँ अफसाने पे, तो मुझे आपसे बात करनी। मैंने कहा पहले ये बता तो मुझे रिकमेंड किसने की, मुझे ये था कि किसी जानने वाले ने सिफारिश की, तो उन्होंने बताया टीचर का नाम, मैंने कहा वो तो उन्हें तो नहीं जानती थी। तो इस तरह करके एजुकेशन यूनिवर्सिटी से बहुत ज्यादा लड़कियों ने एम फिल किया है, एक उनमें से बहुत नालायक थी, उसे मैं बार बार कहती थी कि बेटा आप अभी ना करो रहने दो फिर कर लेता, तो कह लेकिन मेरा 70% काम हो चुके। मैंने कहा कि अप्रूव हो गया, कहती है मुझे बड़ा सदमा। फिर मैंने क्या किया कि अरशद मिराज ने PhD का थीसिस किया और उसको किताबी सूरत उन्होंने छाप किया, तो मेरे पास था, मैंने कि ये ले जाओ इसमें से मदद ले लो। कहने लगे बुरा नहीं मानेंगे, मैंने कहा नहीं वो ले चुके डिग्री कोई बात नहीं। तो सो हुआ तो है काम मुझ पे। अरशद मिराज ने बहुत अच्छा काम, हाँ बहुत अच्छा, अच्छा नाम है। तब मेरे पास सिर्फ दो किताबें थी, तो मेरे पास आए तो मैंने कहा देखिए पढ़ने के अलावा लिखने वाले को जानो तो पता होता है, तो आप मुझसे कभी मिले नहीं, तो कह लगे तो मैं तो पिछले 6 महीने से आपके साथ रह रहा हूँ कि मैं ये कितने पढ़ रहा हूँ कितना पढ़ रहा हूँ और आप मौजूद हैं अपनी कहानियों में। मैंने कहा अच्छा यूँ तो आप शायद कुछ ना बताएं, मैंने कहा नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं। तो बस ये खुशी का मकाम होता है, हमारी बहुत सारी दुआएं आपके लिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, और भी आगे लिखें और हम जैसे लोग जो नए लिखने वाले हैं उनके लिए एक अच्छी मिसाल ऐसी कि सीखने का मौका आप लोगों से, आप लोगों से मिलना भी हमारे लिए खुशकिस्मती होती है। और जैसे भी रुखसाना बात कर रही थी, अभी गजल बात कर रही थी, वो आपकी पर्सनैलिटी में एक खूबसूरती में है, क्योंकि फेसबुक पे हम नए लोग हैं और जब आपका कमेंट कोई मिलता है तो वो बहुत अच्छा लगता है, तहरीर पे या तस्वीर पे इवन, तो ये हमारे लिए खुशकिस्मती का आज मुकाम है कि हम आप हमारे साथ, आप लोगों से हमने एक छोटा सा सफर, मुझे भी बहुत खुशी हुई, बहुत मुझे बहुत अच्छा लगा। 12 साल से तो मैंने देखी इसी तरह जाएंगे तो राज पूछेंगे, नहीं राज तो यही है कि आप दिल में बुराई को जगाना दो, नफरत को जगाना दो, बस नफरत आपको शक्ल बिगाड़ देती है, तो और प्यार मोहब्बत हो तो सब अच्छा वैसे ही रहता है। स्माइलिंग फेस में प्रोग्राम में यही कहती हूँ, एक तो आपकी स्माइल आपके इर्द गिर्द के लोगों को और बिल्कुल एग्जैक्टली, और वही मैं तो कहती हूँ गुस्सा आए या कोई नफरत के कोई ख्याल आए तो आईना जाके देख लू क्या हशर आपका भी उत्तर हो जाती है सूरत। तो अच्छा मुझे ये बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत पहले आपसे एक बार मिली थी, रविश का मुशायरा था कोई, असलम कौसरी जो है उसको प्रिजाइड कर रहे थे वहाँ आप थी, तो मैंने पहली दफा देखा, तो उसके बाद अब मैंने देखा है, बहुत देखा फेसबुक पे, मैंने भाई ये लड़की तो बहुत ग्रो कर गई है, बहुत आगे बढ़ गई है, और ये टीवी ये तुमने रेडियो का करके ये किया है,
کہ یہاں کے لوگوں کو متعارف ہر ایک سے کرا دیا. بہت بڑا کام ہے, چھوٹا کام نہیں, بڑا اچھا لگا. میں تو کہتی ہوں دو ہی لڑکیاں کام کر رہی ہیں پاکستان میں, سگرا صدق اور امریکہ میں. یہ اتنا بڑا, کچھ لوگ دیکھیں واقعی یہ بہت بڑا کام کر رہی ہیں, لیکن کچھ لوگ چپ چاپ کام کرتے رہتے ہیں آپ کی طرح اور پتہ نہیں لگنے دیتے. جی ہاں جی, میں یہاں پہ اس وقت موجود ہوں تو یہ رخسانہ کی وجہ سے, جی جی جی, اور یہ لمحہ اس کے باوجود کہ انہوں نے جا کے اپنا کالم لکھنا, مجھے پتا ہے کتنی ڈیڈیکیٹڈ ہیں یہ اپنے ورک کے ساتھ. اور یہ لمحے کچھ کہنا چاہیں گے ہمارے ایسے لوگ بھی بہت پیارے ہوتے ہیں نا, جو اپنے ساری اچھائی کو اپنے اندر رکھتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں, بدلتے نہیں ہیں. ہاں کہنا میں یہی چاہوں گی کہ وہ پڑھیں, پڑھنے میں اتنا کچھ ہے. میں نے اب عالمی ادب پڑھا ہے. اچھا کوئی بات, میں بہت نئی سوچتی تھی, مجھے لگتا تھا میں نے کہیں نہیں پڑھی, میں نے سوچی ہے. تو جب میں کتاب کوئی پڑھ رہی ہوتی تھی کلاسک, تو پتا چلا تھا کہ وہ بات تو وہاں ہے, پہلے کسی نے کہہ دیا. میں جلدی جلدی پلٹ کے تاریخ دیتی, دیکھتی تھی کوئی 50 سال پہلے کہی گئی اور کوئی 100 سال پہلے کہی ہے. تو اگر آپ پڑھیں گے نا تو آپ کا ویژن براڈ ہوتا ہے. جی ہاں, تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ آپ کا. اور اپنے لفظ کو کبھی چھوٹا نہ جانی, کبھی چھوٹا نہ جانی, اپنے لفظ کی خود عزت کیجیے, بس یہ بات ہے. اور پتہ نہیں مجھے کیوں احساس ہو رہا ہے کہ یہ جو وقت آپ کے ساتھ گزارا ہے, یہ ابھی تشنگی لے کے جا رہی ہوں میں, اور بہت ساری باتیں کرنے کو دل چاہ رہا ہے, بہت کم ملتا ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں زندگی میں مکالمہ بہت واقعی ہو گیا, سچ کہتی ہوں. یہ میرے اندر تو بہت زیادہ اس بات کا کہ ہم کیوں لڑ جھگڑ رہے ہیں یا نہیں بات سمجھ رہے, کیونکہ ہمارے مکالمہ نہیں ہے. اور آپ جب بھی ملتے ہیں تو ایک خوف سے چڑھائے پہ ملتے ہیں ایک دوسرے سے. کوئی لمحہ ہوتا ہے جس کے ساتھ کسی کے ساتھ واقعی میرا دل چاہتا ہے بات کروں, تو ابھی بات مختصر ہے اور ادھوری ہے. اور مجھے اس بات کی خواہش ہے کہ آپ کے ساتھ یہ سلسلہ ہمارا جاری ہو ساری رہے. تشنا کی بہت کچھ نہ کچھ رہنی چاہیے, وہ ایک کشش ہوتی ہے اور وہ ایک کیا کہوں کہ آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو جانے اس کو جانے, سب کچھ ایک دفعہ یہ بھی نہیں چھپانے کی نہیں, کہا بھی نہیں جا سکتا, جانا بھی نہیں جا سکتا. ایک شخص کے اندر اتنی شخصیتیں ہوتی ہیں کہ کبھی کسی بات سے کھلتی ہے تو کبھی کسی بات سے کھلتی, کسی لمحے کھلتی, کسی لمحے نہیں کھلتی. ہاں جس طرح ملتا ہے انسان اور دوسرے, نہیں جب بھی آپ انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں نا تو پرسنالٹیز کے وہ جو ایسپیکٹ ہوتے ہیں کچھ دیر کے بعد وہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے نا کہ کیا بات کریں, لیکن آپ سے ابھی میرے دل چاہتے ہیں مکالمہ آگے چلے. تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ, میرا بھی دل چاہے گا کہ میں بھی آپ کو جانوں اور آپ بھی جانیے گا, اور جاننے کا سلسلہ تو کبھی ختم نہیں ہوتا. میں کہتی ہوں جاننا کچھ جاننے کی خواہش حیرت ہے, جو جاننے کی خواہش ہے حیرت جستجو ہے, جستجو علم ہے, اور علم تو مانتے ہیں. سیدھی رہے, سلامت رہے. آپ آج کی اس محفل کے لیے ہم بہت شکریہ ادا کریں گے, اسپیشل ہماری پیاری سی دوست رخسانہ نور کا, کہ ان کی وجہ سے ہم آج یہاں پہ آئے اور فرحت پر بھی ناچتے. اتنی محبت ملتی, لیکن ان کے آنے سے مجھے بہت خوشی, بہت خوشی ہوئی ہے. اور اسی طرح غزل آپ کا بھی بہت شکریہ, بہت اچھا, گو کہ ہماری آنکھوں میں نیندیں ہیں لیکن اس کے باوجود ہم جو خوشی بھی ہے, بالکل خوشی ہے. اور بلکہ میں یادگار لمحے ہیں میرے خیال میں جو ہم یہاں اس وقت گزارے ہیں, ہم نے رات کا 1:30 بج رہا ہے اور سارے لمحوں میں دیوار کی توڑ دی, کھڑکیاں کھولی نہیں دیوار گھر کی توڑ دی, اتنا ہی وہ کر سکا تازہ ہوا کے نام پر. میں رخسانہ نور, آپ سن رہے ہیں پنج ریڈیو یو ایس اے, سنتے رہیے پنج ریڈیو یو ایس اے. دل اوتھے دئیے جتھے اگلا قدر بھی جانے, دل توڑ کے نہ جا مجھے چھوڑ کے نہ جا, دل توڑ کے نہ جا مجھے چھوڑ کے نہ جا, میری مجھے معاف ہو دیکھ لے توڑ کے نہ جا,
इश्क ते आतिश दो में बराबर ते इश्क दरो सारे अपना रेडियो स्टेशन ते जिथे रहो ते खेड़ते वसते रहो जिस तानु सारे नु कहने आओ जी जी आयो नु निक्की जी गल नाल प्रोग्राम दा आगाज करने मुनीर अनवर जी तुसी सानू कीता होया ज्वाइन ते निक्की जी गल साडे नाल तुसी भी शेयर कर सकदे हो कहंदे ने कि जो इंसान है वो अपने अमल नाल पहचाने जाता है चंगी गल्लां ते बुरे लोग भी बड़ी अच्छी तरीके नाल कर लैंदे ने की ख्याल है तुहाडा आओ जी
ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ ਆਓ ਜੀ ਆਓ ਜੀ ਆਓ ਜੀ ਲੋ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਆਓ ਜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜੇ ਅੰਤਲ ਜੀ ਆਉਣ ਹੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਚ ਲੋ ਜੀ ਇਕਬਾਲ ਸਹਿਬਾਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਰਸ ਕਰਤੀ ਇਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਕਿਤਾਬ ਜੀ ਮਨੀਰ ਅਨਵਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਯਾਕੂਬ ਆਸੀ ਹੋਰੀ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਲਿਖਣਾ ਲੱਭੋ ਹਜ਼ਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਿੱਥੇ ਆਹੋ ਯਾਕੂਬ ਆਸੀ ਹੋਰੀ ਲੋ ਜੀ ਅਬਦੁਲ ਜਬਾਰ ਹੁਰੀ ਨੇ ਅਬਦੁਲ ਜਬਾਰ ਹੁਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਲਾਮ ਕਿਆ ਆਪ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਜੀ ਕਿਹਾ ਲੋ ਜੀ ਅਗਲੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜੇ ਕਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੀ ਜੇ ਮੁਨੀਰ ਅਨਵਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਆ ਸੁਣਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹਾ ਕਲਾਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਚੱਲਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕੋ ਹੋਸਟ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਠਹਿਰੇ ਨਾ ਫਿਰ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੌ ਸੌ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੋਈ ਨੀ ਤਲੀਮ ਦੀ ਕਮੀ ਤਲੀਮ ਦੀ ਕਮੀ ਇਹ ਤੇ ਉਹੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਮ ਆਪ ਵੀ ਕਰਤੇ ਹੈ ਤੋ ਹੋ ਜਾਤੇ ਹੈ ਬਦਨਾਮ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰਤੇ ਹੈ ਤੋ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜੇ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਖਲਾਕਿਆਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਇਤ ਔਰ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕੋਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਗਵਾਰ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹੀ ਚਸ਼ਮਪੋਸ਼ੀ ਉਸ ਖੈਰਾਤ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਪਿੱਤਰ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਆਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਹੀ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਆਏ ਘਰ ਔਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਔਰ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਪੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਮਨੀ।